नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति नाम के इस कार्यक्रम में पिछले कुछ महीनों में बेरोजगारी पर हमने कई बार बात की है, ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बेरोजगार भी पिछले दो सालों में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, उनकी तादाद बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 12.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार पिछले दो साल में बढ़ गए। कोरोना ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कारखाने और छोटे उद्योग बड़ी तादाद में इस बीच बंद हुए हैं। जिनके पास रोजगार था वो भी उनसे छिन गया है। हालात बद से बदतर होने की तरफ गए हैं। इन हालात को भांपते हुए राजनेता भी सक्रिय हो गए हैं, उनकी राजनीति भी तेज हो गई है। आज अभी थोड़ी देर बाद रात के 9 बजे 9 मिनट्स के लिए घर की बत्तियां बुझाने का आह्वान किया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अब उसका असर क्या होगा ये रात के 9 बजे पता चलेगा, कितने लोग इस अभियान में उनके शामिल होंगे, कितने अपने घर की बत्तियां बुझाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, यह बहस का मुद्दा जरूर है। सरकारी भर्तियां यूपी में बार बार क्यों लटकी, ये हालात पैदा क्यों हुए यह बहस का मुद्दा जरूर है। सरकारी भर्तियां यूपी में बार बार क्यों लटकी, यह सवाल मौजूद है। शिक्षा मित्रों का क्या हुआ, यह सवाल पूछा जाना चाहिए और हम पूछेंगे। 69,000 भर्ती कहां और क्यों अटक गई, यह जानना जरूरी है और आज हम बात इसी पर करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान, आइए उनसे परिचय करिए आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, कांग्रेस MLC दीपक सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और पिछली सरकार में मंत्री अभिषेक मिश्र हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्र, BSP नेता सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं और अभ्यर्थी 69,000 भर्ती के मनोज प्रजापति जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आज की हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में। आलोक अवस्थी जी, आपका विपक्षी दल आज थोड़ी देर बाद बत्तियां बुझाने का आह्वान कर चुका है, वो कह रहे हैं 9 मिनट के लिए बत्ती बुझा दो। और जब मैंने सोशल मीडिया पर यह पूछा कि क्या बत्ती बुझाने से बेरोजगारी चली जाएगी, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि वैसे ही चली जाएगी जैसे घंटा बजाने से और दीपक जलाने से कोरोना चला गया था। अवस्थी जी, इन बातों से इतर इस प्रकार के तर्कों से आगे बात बहुत गंभीर है। बेरोजगारी बढ़ी है ये डेटा कह रहा है और हालात पहले से ज्यादा खराब हुए, उसमें कोरोना का भी योगदान है, मैं मानता हूं, सब मानते हैं, लेकिन ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए अवस्थी जी? राजेंद्र जी, मैं शुरुआत करूंगा घर की बत्तियां बुझाने से। क्योंकि काफी समय हो गया है, 3.5 वर्ष का समय हो गया है अखिलेश यादव की सरकार को तय हुए। वो ये बात ताजा करना चाहते हैं कि उनके राज्य में पहले घरों की बत्तियां गुल रहती थी, लोग लालटेन में और बत्ती में ही अपना काम करते थे, जिसकी बिजली नहीं आती, बिजली खाली VIP जिलों में आती थी, 5 या 6 जिलों में। आज जो है 24 घंटे चूंकि बिजली जा रही है तो वो उनको सहन नहीं हो पा रहा, तो कैसे वो अपने पुराने अपने कार्यकाल को याद कर सके, इसलिए बत्ती बुझाने की बात कर रहे हैं, ये उनकी बात। दूसरा, वो बात बेरोजगारी की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, काश उन्होंने अपने समय पर भाई भतीजावाद या तो अपने क्या कहते हैं क्षेत्रवाद और पैसों की बात ना करते हुए जितने भी उन्होंने भर्ती बोर्ड बनाए थे सभी को उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया था। 4 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया था और UPSC के चेयरमैन अनिल यादव थे, उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी का भी आदेश किया था, आपको याद होगा। तो भर्तियां किस तरह की पहले हो रही थी, जातिवाद के आधारित पे, क्षेत्रवाद के आधारित पे, सैफाई परिवार की सिफारिश पे या फिर पैसा लेकर के भर्तियां हो रही थी और जो कि सारी रद्द की गई, जो कि सब इसी तरह की भर्तियां थी, योग्य अभ्यर्थियों को कभी जो है उन्होंने भर्ती नहीं होने दिया। अच्छा। और जहां तक कि आपने ये भी देखा होगा जंगल राज पुराना कैसे था कि 2 लाख पुलिस के कर्मियों की भर्तियां अखिलेश यादव नहीं कर पाए क्योंकि कमीशन तय नहीं हो पाया था। अब जो है हमारी सरकार ने और प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, तो प्रदेश की अराजकता दूर करना उनका वो महत्व नहीं था, वो चाहते थे कि पहले पैसा वसूली का तय हो जाए। और जब उन्होंने अंतिम समय में भर्तियां की उसमें भी धांधली इतनी हुई कि शिकायत होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने वो भी भंग कर दिया। ये तो अखिलेश यादव जी का बेरोजगारी का जो आंकड़ा दे रहे हैं, उन्होंने कितने बेरोजगार पैदा किए और कितने लोगों को रोजगार दिया, मैंने एक तथ्य रख दिया है। अब आपकी बात सही है कि कोरोना के काल में जिस समय पूरा विश्व इस समय आपत्ति काल में है, करोड़ों अरबों लोगों की जान खतरे में है,
चार चार महीने का लॉकडाउन रहा हुआ है उस समय वाकई ये बात सही है कि बेरोजगारी बड़ी होगी, लेकिन हमने 30 लाख श्रमिक हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, 22 लाख श्रमिकों को हमने जो है रोजगार दिया है जो कि अभी भी वो काम कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, बाल पुष्टाहार का पहले पैसा एक सिंडिकेट को जाता था जो कि माननीय अखिलेश यादव जी के बड़े ही परिचित थे और उनका क्या लेना देना था ये तो दुनिया जानती है। उस बाल पुष्टाहार के काम को महिला स्वयं सहायता समूहों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इससे कम से कम 7.5 लाख से अधिक महिलाओं को घर में बैठे बैठे काम मिलेगा जो स्कूलों में बाल पुष्टाहार की सप्लाई वो करेंगी। किस तरीके से हम लोगों ने मास्क बनाने का, हमने कोरोना में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसमें मास्क बनाने का भी काम हमने महिला समूहों को दिया, तमाम बेरोजगारों को दिया जिससे कि उनको रोजगार मिल सके घरों में। और एक हमने एक पोर्टल बनाया, एक समिति बनाई और कंपनियों से कहा कि आपको जिस तरह के भी श्रमिक चाहिए हो, स्किल लेबर चाहिए हो, मिस्त्री चाहिए हो, इंजीनियर चाहिए हो, कितने लोगों को दी है, ये काम आपका थोड़ा ही है ना। अरे ये बताइए ना, सरकारी नौकरी कितने लोगों को दी है, सुनेंगे समझ में आएगा ना, आपने कितने कमीशन चालू करे ये बताइए ना। अच्छा एक सेकंड, हायर एजुकेशन कमीशन प्रकाश जी आ रहे हैं, कमीशन किया ना सतीश प्रकाश जी, सीसे कितने लोगों को नौकरी दी है ना सतीश जी, समूह कह के लोगों को नौकरी दिया है क्या, सतीश जी आ रहा हूं मैं, एक सेकंड सतीश जी आ रहा हूं, रोजगार कर रहा है सतीश जी आ रहा हूं, अरे सतीश प्रकाश जी पूरा समय मिलेगा आपको, सतीश प्रकाश जी पूरा समय मिलेगा। अवस्थी जी आपने बहुत सारी बातें कही ना, ठीक है, अरे उनको बोल तो लेने दीजिए सतीश जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए आपने इतने लोगों को रोजगार दिया, ऐसे आप इंटरप्ट करेंगे तो कोई बात हो ही नहीं पाएगी। अब आप दोनों शांत रहिए, अब आप दोनों शांत रहिए, अब आप दोनों शांत रहिए सतीश जी, ना ना एक सेकंड मैं आ रहा हूँ सतीश जी, ये तरीका सही नहीं है सतीश जी, तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है सतीश जी, अरे उनको शिक्षकों की भर्ती करी, ठीक बात है आपकी, अरे अपनी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा सतीश जी, अपनी बारी आएगी तो बोल लीजिएगा सतीश जी, ओहो जो कमीशन से कमीशन पास लोग आगे जिनके पास क्वालिफिकेशन है उनको आपने नियुक्ति पत्र नहीं दिए, वो एससी के कैंडिडेट थे, वो ओबीसी के कैंडिडेट थे, विज्ञापन संख्या 42 को बताइए। अच्छा ठीक है, इसी विषय पर अब दोनों की आवाज हम सुन लो, दोनों की आवाज डाउन की जाए, समय कम है, समय कम है, हम लोग 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं। अवस्थी जी आपको आपको फैक्ट चेक करा देता हूं मैं, जो 69,000 की भर्ती आपने निकाली थी वो लटकी पड़ी है, ठीक है आपने दूसरे पर आरोप लगाया है, लेकिन उसकी पीड़ा क्या है यह मनोज प्रजापति आपको अभी बता रहे हैं। मनोज प्रजापति क्या मामला है सारा 69,000 भर्ती का और आप क्यों तकलीफ में है? महोदय जी आपको बताना चाहूंगा कि 1 जून 2020 को शिक्षक भर्ती चयन सूची महोदय जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई, जिसमें हम लोगों द्वारा देखा गया कि 69,000 की जो 34,500 अनारक्षित सीटें होनी चाहिए थी, 52,614 अनारक्षित रूप से भर ली गई, मात्र 23.5% आरक्षण ओबीसी और एससी को दिया गया। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भाई भतीजावाद हुआ, आप इस सरकार में सामान्य वर्ग के लिए जो है आप अफसर हैं और हम लोगों के लिए धोखे का आप काम कर रहे हैं, आऊंगा वसी सुन लीजिए, हाँ, हाँ। आप क्या सरकार चला रहे हैं, आप क्यों आरक्षण को निपटाने की खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान ने हमें आरक्षण दिया है और आपने 48% ओबीसी और एससी के आरक्षण को, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आप लोग का मामला कहां पे है मनोज, मनोज आपका मामला कहां पे अटका पड़ा है, क्या दिक्कत है उसमें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या कह रहा है? माननीय जी मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हम सभी अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे, 3 जून को वहां 7 दिन का इन्हें समय दिया गया, लेकिन वहां पर कोई बेसिक शिक्षा विभाग का संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा, उसके बाद फिर 15 तारीख को रिमाइंडर भेजा 15 जून को, फिर भी कोई नहीं पहुंचा, 29 जून को रिमाइंडर भेजा फिर भी वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, हमें 28 जुलाई को वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन आयोग के सामने करना पड़ा, उसके बाद 20 अगस्त को संबंधित अधिकारी पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि यूआरपी 67.1 कट ऑफ गई है, ओबीसी की 66.7 कट ऑफ गई है, जबकि हम अभ्यर्थियों द्वारा जब जाना गया निकाला गया सारा डाटा हमने खंगाल लिया है, इन्होंने महोदय जी हमें कोई भी वर्गवार आंकड़ा नहीं दिया, ना ही चयन सूची में वर्गवार बताया और ना ही कट ऑफ बताया, लेकिन हमने देखा कि ओबीसी वर्ग के मात्र 2586 अभ्यर्थी ही इन्होंने
सेलेक्ट किए हैं, जबकि 18,598 होने चाहिए थे। अच्छा, हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा, पता नहीं क्यों किया गया है। अब आपने अपनी बात रख दी है, दुश्मनी है। मनोज जी, अब आपने बात अपनी रख दी है। भारतीय जनता पार्टी को इस आधार पर दिया था कि ये अच्छा करेंगे, लेकिन हम इससे आरक्षण के मामले में बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ओके 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 मनोज, राजेंद्र जी ठीक है। आलोक जी, आप एक एक बार जरा सबकी बात सुन ली जाए। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा भी कुछ कहना चाहते हैं और दीपक सिंह भी आपकी बात सुन रहे हैं। इन दोनों की बात सुन लेता हूं। अवस्थी जी, जवाब आपको ही देना है इस चर्चा का, क्योंकि आप ही सत्तारूढ़ दल को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, मेरा सवाल यह है प्रोफेसर मिश्रा, अभी रात के 9 बजे आपकी पार्टी ने जो, आपके अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है जी, उसका असर हम लोग देखेंगे। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे कि कितने घरों की बत्तियां ऑफ हो गई हैं, ये हम देखेंगे, बताएंगे उसका हाल भी समाचार में अपने। लेकिन सवाल क्या ये अवस्थी जी गलत कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें आपके शासन में भी हुई थी? ये तो फैक्ट है, कोर्ट को कई बार आपके शासन में इंटरवीन करना पड़ा, ये तथ्य है। इससे कैसे मुंह मोड़ा जाए? और क्यों ना माना जाए, क्यों ना माना जाए कि इस बिगड़ते हालात में आप बेरोजगारी को एक राजनीतिक हथियार बना रहे हैं? प्रोफेसर मिश्रा, दो तीन पॉइंट्स है राजन जी। सबसे पहले तो आपका बड़ा शो है और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा होगा कि किस तरीके से आपने सवाल जो पूछा बेरोजगारी का, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों इन्होंने नौकरियां नहीं दी, उन्होंने ये नहीं बताया क्यों इनकी नौकरियां भर्ती हुई हैं, फंसी हुई हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि जितनी फंसी हैं वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी हम देने जा रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया आज तक कितनी दी, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इन्होंने 22 लाख और 1.25 करोड़ की डेटा इनके माननीय मुख्यमंत्री ने दिया वो कहां से फंडिंग कर रहे हैं, कितने दिन की नौकरियां हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, इन्होंने ये नहीं बताया कि आप कोरोना काल से पहले जो इकोनॉमी के रेट ऑफ ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ लगातार पिछले 3 साल से वो क्यों हुआ है, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीजों पर एक्चुअली फेल हो गए। अब इनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज आता है वो ये आता है कि पिछली इतिहास पर बात ले जाओ, ये तो अच्छा है ये सिर्फ हमारी सरकार तक गए, वरना तो बीजेपी के आदत है वो पंडित नेहरू से शुरुआत करते हैं, उतने में तो आपका पूरा शो बीत जाता। तो इनको अच्छा, दूसरी जो कोरोना काल की बात भी कर रहे हैं, कोरोना काल में भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने जिन्होंने ठीक से काम किया, जिनके भारत, जिनके जो फेडरल स्ट्रक्चर्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स थे, जिन्होंने चाहे पॉलिसी पे काम किया, जिन्होंने मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे काम किया, जिन्होंने सब्सिडीज पे काम किया, जिन्होंने जॉब कीपर इंसेंटिव्स पे काम किया, उन्होंने न सिर्फ नौकरियां बचाई हैं बल्कि नौकरियां बनाई भी हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको देता हूं, आप जर्मनी की बात कर लीजिए, आप अमेरिका के, अमेरिका ने जून जुलाई अगस्त मिलाकर के 8 मिलियन जॉब्स यानी कि 80 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के दौरान। हम क्यों नहीं कर सकते थे? हम भी कर सकते थे जब हमने ओपनिंग की, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? उसके लिए हमें फिस्कल इंसेंटिव चाहिए था, उसके लिए फिस्कल पॉलिसी का सपोर्ट चाहिए था, उसके लिए सब्सिडी चाहिए थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने वो मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंटैलिटी डेवलप कर दी और कहा कि आप क्रेडिट ले लीजिए। अरे जब ऑलरेडी माल बिक नहीं रहा, खरीदने वाला बाजार में कोई है नहीं, बिजनेस का एक्सपेंशन हमें करना नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में आपने कर दिया, जॉब लॉसेज हो गए, 14 करोड़ जॉब लॉसेज हो गए, तो आपने कौन लोन लेकर के उसको अपना बिजनेस बढ़ाएगा? तो ये सिर्फ इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, ले जाने का काम किया, कोई नौकरी, ये तो आपकी आलोचना है, जो पुलिस की ज्वाइनिंग थी, ये तो आपकी आलोचना है प्रोफेसर मिश्रा, में आ चुका था, उसकी आरटीसी तक नहीं भेज पा रहे उसको। नहीं, ठीक बात है, हो सकता है कि आपकी बहुत सारी बातें ठीक हो, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा सवाल वहीं पर है कि बेरोजगारी को लेकर हमारी, हमारे राजनीतिक दलों के पास ओवरऑल पॉलिसी क्या है? दीपक सिंह, आप कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी ये सुर में सुर मिलाने वाली बात कही है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और वो हम दिखा भी रहे उनका ट्वीट। लेकिन सिर्फ मेरा सवाल मुझसे या दीपक जी से? मैं दीपक जी से मैं जानना चाह रहा था प्रोफेसर मिश्रा, क्योंकि आपका सपोर्ट किया उन्होंने दीपक जी ने, इसलिए उनका उत्तर भी आना आवश्यक है। दीपक सिंह जी, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, तो दीपक सिंह आप दर्शकों को बताइए कि आलोक अवस्थी या उनकी पार्टी की या सरकार की आलोचना से रोजगार मिल जाएगा? आप कोई कंक्रीट, आप क्यों नहीं रोड मैप बताते हैं? आप तो सेंटर में बहुत लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, आपने तो पॉलिसी बनाई है देश की, क्यों नहीं आप कोई रोड मैप बनाते हैं अवस्थी जी को बना के बताते हैं? पहले तो राजेंद्र जी आपको धन्यवाद कि जहां पूरे देश में सुशांत, रिया, कंगना पे डिबेट हो रही, आप कम से कम बेरोजगारी पे डिबेट लेकर आते हैं, डिबेट आज भी बेरोजगारी पर लेकर आ पाए हैं जी। धन्यवाद।
एक्शन प्लान है ये, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आज उनके उद्योग जो धंधे स्थापित हुए थे उनके बंद उद्योग धंधों को आप अगर तुलना कर लें तो अपने आप सारे उत्तर मिल जाते हैं कितने रोजगार गए होंगे। जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब देश की जीडीपी कितनी थी, देश में रोजगारों की संख्या कितनी थी, हमने रोजगार के और कौन कौन से माध्यम डेवलप किए थे उसके उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे जो प्रवासी मजदूर लौट के आए उनको हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये वही रोजगार देने की बात करें जिसको प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जिस मनरेगा का मजाक उड़ाया था। मैं अब इनके बात पाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, पहले लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो हमें हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमें रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कोरोना महामारी है, भारतीय जनता पार्टी है तो हमें हाथ ही धोना है, चाहे नौकरी से हाथ धोना हो चाहे साबुन से हाथ धोना हो, क्योंकि इनके बस का कुछ नहीं है। आपने जहां तक बत्ती की बात की, हमारा टॉर्च और जलाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने 5 तारीख को 5:05 पे ताली और थाली इसलिए बजाई थी कि ये एक सिंबल था, ये सरकार सुनती नहीं, बताने के लिए कि बेरोजगारों के साथ आपने जो उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 जारी किया था उसमें आपने कहा था कि हम 3 महीने में रोजगार के सारे पद भर देंगे, हम शिक्षा मित्रों के जो कल्याण है 3 महीने के अंदर कर देंगे, अनुदेशकों के मानदेय को आपने बढ़ाने की बात की तो उसे कम कर देंगे, उत्तर प्रदेश में खेल विभाग से लेकर गन्ना संस्थान, कोषागार, चकबंदी, समीक्षा अधिकारी, 2017 से पीसीएस के तमाम पद खाली हैं जिसे सरकार आज तक नहीं भरना चाहती, खाली कोरे भाषण करना चाहती है। तो सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है विभिन्न माध्यमों से। कांग्रेस पार्टी का अभियान पिछला भी था और जो कांग्रेस पार्टी ने आज 9:09 पर टॉर्च और मशाल जलाने का संकल्प लिया था ये पहले से लिया था। आज जिन पार्टियों ने समर्थन किया उनको धन्यवाद देता हूं। ये अभियान इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान को भटकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने अब आप लोग मशाल जलूस के माध्यम से, मोमबत्ती के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहती है कि आपने बेरोजगारों की बात करके सत्ता हासिल की थी उनको भुला बैठे हैं आप, ठीक, उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, मुद्दों से ध्यान को भटका रहे हैं। अब जरा देश बदहाल है दीपक सिंह, उत्तर प्रदेश 30 साल से बेहाल है। हाँ। और सरकार अलग बातें करती है, ठीक है। डिप्टी सीएम ने इस बारे में एक बात कही है, आलोक जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक वक्तव्य दिया इसी मामले पर, इसी अखिलेश यादव के काल पे और अभी जो दीपक सिंह बता रहे हैं उस पे, उसको पहले सुन लेते हैं वो उप मुख्यमंत्री जी कह क्या रहे हैं, चूंकि वो उप मुख्यमंत्री उनकी बात सुननी बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से वापस आके हम आलोक अवस्थी की बात भी सुनेंगे और सतीश प्रकाश की बात भी सुनेंगे। लाखों की संख्या में पुलिस की भर्ती हुई है और मैं समझता हूँ कई हजार शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे उच्च में हो, चाहे बेसिक में हो, और कई जगह पर अन्य विभागों की नियुक्तियां हुई हैं। साथ में जो तमाम प्रकार के उद्योग लगे हैं उनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार लोगों को मिले हैं, तमाम जगह बैंक्स ने लोन दिए हैं और कई जगह पर छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन दिए हैं, उसमें भी रोजगार का सृजन हुआ और लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए इस प्रकार का अनर्गल दुष्प्रचार करना, मैं समझता हूँ कि उनकी एक प्रकार की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयत्न है। बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं। सतीश प्रकाश जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए ताकि जवाब लिया जा सके आलोक अवस्थी जी से। आलोक अवस्थी जी ने सारा का सारा जवाब दिया ही है आपको, बेरोजगारी की बात करी, जवाब ही कहा देते कहा है जवाब। अच्छा, नहीं नहीं, आप भाई आपके सामने प्रजापति जी ने रखा है ना, आपको 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 रोजगार इसलिए भी नहीं देना है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों को देने से जो वीकर सेक्शन है उसको मजबूती मिलती है। अच्छा, आरक्षण के तहत भी आपको नौकरी देनी पड़ती है। 69 टीचर्स की भर्ती भी आपने इसलिए कराई है ना कि वहां रिजर्वेशन का वॉयलेशन करना था, और महाविद्यालय के अंदर 770 जो महाविद्यालय के शिक्षक थे जिनकी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं थी, जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी, और उनको आपने परमानेंट इसलिए किया कि वहां रिजर्वेशन का वॉयलेशन हो रहा था,
और विज्ञापन संख्या 42 के 170 अभ्यर्थी आज भी सड़कों के ऊपर हैं। तो ये सारी की सारी है सर। आलोक अवस्थी जी बहुत गंभीर आरोप है। ना तो बत्ती जलाने से रोजगार मिलेगा, हाँ, ना बत्ती बुझाने से रोजगार मिलेगा। तो मैं अब रिजर्वेशन की जो बात आपने की है सतीश जी, एक सेकंड आपसे सुनिए। नहीं अब आलोक अवस्थी सवाल पूछते हैं तो आप तमाम दूसरे की नाकामियां गिनवाते हैं। आपको लोगों ने क्यों चीना था? राजेंद्र जी, बेरोजगारी जरूर हुई है। बेरोजगारी किसकी हुई है? समाजवादी कुनबे की हुई है, जो सैफई परिवार हुआ है, परिवार था उसकी। आलोक जी थोड़ा गंभीर उत्तर आप रिकॉर्ड पे हैं, सब देख रहे हैं। पूरे आरक्षित वर्ग को समाजवादी कुनबा घोषित कर देंगे। रोशनी जला लें। एक सेकंड मनोज जी एक सेकंड। नहीं इनके घर उत्तर सुनिए, उत्तर राजेंद्र जी। राजेंद्र जी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे और ना ही जो है अखिलेश यादव कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उत्तर आलोक जी उत्तर उजाला कर लें। उत्तर आलोक जी उत्तर। रोजगार की बात करी आपने। हाँ जी, शिक्षकों की भर्ती ये गलत आंकड़े दे रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती हमने करी है, 1,00,000 के आसपास शिक्षक भर्ती हुए हैं, 69,000 एक बार हुए हैं, 35,000 एक बार हुए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो मापदंड दिए हैं उसके आधार पे हमने सारे जो है भर्ती करी है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जो बोल रहे झूठ बोल रहे, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बात कर रहे हैं। हमने 12,632 नए उद्योगों की स्थापना करी है प्रदेश में हमारे आने के बाद से। उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 लाख रोजगार उत्पन्न हुए हैं। उसमें उसको कोई क्यों नहीं देखता है? और आपातकाल की आप बात करते हैं, जिस समय कोरोना में पूरा विश्व परेशान है, हम लोग खुद को सबको हर आदमी के बिजनेस में चोट आई है, तो इसमें कोई सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। यही सरकार थी 5 साल पहले, जिसको जनता ने पूर्ण मैंडेट देकर के पहले से अधिक सीटें, पहले से अधिक वोट देकर जिताया। तो अगर हम खराब होते हैं तो हमको 5 साल बाद दोबारा क्यों चुना जाता देश के अंदर? तो ये आंकड़े उन लोगों के लिए देने के लिए हैं जो खुद बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है। ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के लिए बेरोजगारी की हद ये हो गई है कि एक लोकसभा सांसद है इनका, इनका नेता राहुल गांधी खुद हार के भाग चुका है यहाँ से। अमेठी से पूछिए क्यों बेरोजगारी बढ़ी? अगर जनता को इनके लिए विश्वास होता तो इनको किनारे क्यों लगा? मुझे लगता है आलोक जी, मुझे लगता है अब सेगमेंट वाइज बात करनी पड़ेगी कि एक एक जो आज समय इतना ही था। रावण की तरह अहंकार और अवस्थी जी ठीक नहीं होता। ठीक है, मुझे लगता है दीपक जी, अभिषेक जी, मुझे लगता है कि इस एपिसोड रोजगार पे चर्चा हो रही, बताइए रोजगार कब देंगे? हाँ मैं एक भाषण से काम नहीं चलेगा। समय समाप्त हो गया जेंटलमैन, रोजगार देंगे नहीं देंगे, समय समाप्त हो गया। अभिषेक, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, दीपक सिंह, सतीश प्रकाश जी, आलोक अवस्थी जी, मनोज प्रजापति जी, समय इतना ही था। मुझे लगता है अब सेगमेंट वाइज बात करनी पड़ेगी। शिक्षा मित्रों की बात एक दिन करनी पड़ेगी, 69,000 भर्ती की बात करनी पड़ेगी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं की भर्ती की बात करनी पड़ेगी, इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट लेक्चरर्स हैं, उनकी भर्ती की बात करनी पड़ेगी अलग से, और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन के दावे हैं उनको भी अलग से एक दिन बहस का विषय बनाना पड़ेगा। तब जाकर हम शायद कॉम्प्रिहेंसिव जवाब अपने दर्शकों के सामने रख पाएंगे। लेकिन आज इस चर्चा का आप सब हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों ने इस चर्चा को देखा, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।